कीड़ों का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं। इनकी बनावट ही कुछ अजीब और डरावनी होती है। लेकिन क्या आपको पता है, सभी कीड़े डरावने या खतरनाक नहीं होते। कुछ कीड़े बहुत खूबसूरत और आकर्षक भी होते हैं। आज हम आपको दुनिया के कुछ अजीबोगरीब कीड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। ऑर्किड मैंटिस दुनिया के सबसे खूबसूरत कीड़ों में से एक है। ऑर्किड मैंटिस साउथ ईस्ट एशिया का ये कीड़ा रंग बदल सकता है। ये सफेद और पीले से गुलाबी और भूरे रंग का हो जाता है। ये ज्यादातर फूलों पर ही पाया जाता है। इसके पैरों की बनावट फूल की पंखड़ियों जैसी होती है, जिस कारण इसे ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। ये छिपकली और मेंढक खाता है और सिर्फ 8 महीने तक ही जिंदा रहता है। वेनेजुएलन पूडल मॉथ सॉफ्ट टॉय जैसा दिखने वाला ये कीड़ा वेनेजुएला में पाया जाता है, जो 8 से 9 महीने तक ही जिंदा रहता है। सबसे पहले इसे 2009 में डॉक्टर आर्थर अनकर ने वेनेजुएला के ग्रैंड सबाना में खोजा था। उन्होंने इसकी एक फोटो को शेयर किया जो बहुत ही जल्दी वायरल हो गई। वैसे अब तक एक नई प्रजाति के रूप में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जायंट लॉन्ग लेग्ड कैटिडिड जायंट लॉन्ग लेग्ड कैटिडिड दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा है, जो मलेशिया के माउंटेन जंगल में पाया जाता है। कैटिडिड्स की लगभग 6400 प्रजातियां होती हैं। ये टेटीगोनिडाई फैमिली के होते हैं। जायंट लॉन्ग लेग्ड कैटिडिड 6 इंच तक बढ़ सकता है। ये दिखने में एक पत्ते की तरह लगता है, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियों के बीच इसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। ये पंख होने के बावजूद कम ही उड़ पाता है। जायंट लॉन्ग लेग्ड कैटिडिड बहुत तेज आवाज निकालने के लिए भी जाना जाता है। इसकी ये आवाज अलग अलग मकसद के लिए भी हो सकती है, जैसे कि संभोग के लिए अपने साथी को आकर्षित करने के लिए। जब ये आक्रामक हो जाता है तो भी तेजी से चिल्लाता है। कभी कभी अपनी उपस्थिति का संकेत देने के लिए भी एक अलग आवाज निकालता है। लैंटर्न फ्लाई लैंटर्न फ्लाई चाइना, इंडिया, जापान और वियतनाम में पाई जाती है। ये पौधों को खाकर उन्हें खराब कर देती है। ये सबसे ज्यादा अंगूर, सेब, सजावटी पेड़ और पाइन्स के पौधों पर पाई जाती है। ये जिस पौधे पर लग जाए समझो वो गया। ये पौधों की पत्तियों को खाकर उनमें छेद कर देती है। भले ही इसका नाम लैंटर्न फ्लाई है, लेकिन ये उड़ नहीं सकती। स्कॉर्पियन फ्लाई ये कीड़ा स्कॉर्पियो की तरह दिखता है, इसलिए इसे स्कॉर्पियन फ्लाई कहते हैं। एक बिच्छू की तरह ही नर स्कॉर्पियन फ्लाई की पूंछ आगे की तरफ मुड़ी होती है, जिसमें डंक नहीं होता। इसका शरीर पीले और सिर लाल रंग का होता है। ये सिर्फ दिखने में डरावना लगता है, लेकिन ये खतरनाक नहीं होता। स्कॉर्पियन फ्लाई के 4 पंख लगभग समान लंबाई और झिल्लीदार होते हैं। हालांकि इनकी कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जिनके पंख नहीं होते। इसके पंखों की बनावट अलग अलग होती है। कुछ के पंख पारदर्शी, कुछ गहरे रंग और कुछ के पंख ब्राइट रंग के होते हैं, जिन पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। हिकोरी हॉर्न्ड डेविल रीगल मॉथ के लार्वा को हिकोरी हॉर्न्ड डेविल के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। रीगल को रॉयल वॉलनट मॉथ भी कहा जाता है। तितलियों की तरह ये भी बहुत खूबसूरत और रंग बिरंगा होता है। पहले इसका शरीर हरे रंग का और सिर पर संतरी रंग के सींग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लार्वा बड़ा होता जाता है उसका रंग भी बदलता रहता है। हिकोरी हॉर्न्ड डेविल रीगल मॉथ बनकर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अमेजोन जायंट फिशिंग स्पाइडर जायंट फिशिंग स्पाइडर 8 इंच तक बढ़ सकती है। अमेजोन जायंट फिशिंग स्पाइडर साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जो गोल्ड, हरे और सफेद रंग की होती है। ये तालाबों, झीलों, नदियों और ताजे पानी के आसपास रहती है। जायंट फिशिंग स्पाइडर कीड़े, टैडपोल और यहाँ तक कि छोटी मछली का शिकार करती है। इसकी खास बात यह है कि ये पानी पर तेजी से चल सकती है और कभी कभी खुद को पानी के एक हवा वाले बुलबुले में कैद कर पानी के नीचे कई घंटों तक रह सकती है। ड्राइवर एंट डोरिलस, सफारी एंट्स और सियाफो के नाम से भी जानी जाती है, जो एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। ये छोटे जानवरों के लिए घातक होती है, क्योंकि इनका डंक बहुत ही दर्दनाक और जानलेवा होता है।
इसके जबड़े की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि मरने के बाद भी आसानी से नहीं छुड़ा सकते। ये जानवरों के साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक है। इसके काटने से तेज जलन होती है और काटी हुई जगह पर सूजन आ जाती है। जंपिंग स्टिक को इसके कूदने और लात मारने की आदत की वजह से ही इसे जंपिंग स्टिक नाम मिला है। ये कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये अपने अजीब लंबे चेहरे के लिए भी जाना जाता है, जिसका मुंह एक टिड्डे की तरह और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जो शिकारियों की तलाश करने में मदद करता है और जिसकी मदद से ये अपने साथी को आकर्षित करता है। इसकी खास बात यह है कि ये अपने टूटे पैर की जगह नया पैर उगा सकता है और ये 5 से 12 महीने तक जिंदा रहता है। जायंट वाटर बग। दुनिया के सबसे बड़े कीड़ों में से एक जायंट वाटर बग है, जो तालाब, नदी और झीलों में पाया जाता है। इसकी लंबाई 2 से 4 इंच तक होती है। इसके पास बड़े और शक्तिशाली पिंसर्स हैं, जिसका इस्तेमाल ये काटने या अपने शिकार को पकड़कर मजबूत इंजेक्शन एंजाइम इंजेक्ट करने के लिए करता है। ये पानी में रहने वाले छोटे कीड़े, मछलियां और टैडपोल खाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।